टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक में अपनी एक्टिंग से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस महिमा मकवाना इन दिनों इमरान हाशमी स्टारर वेब सीरीज शोटाइम में नजर आ रही हैं। महिमा ने अपने करियर की शुरुआत भले ही छोटे पर्दे से की हो, लेकिन आज एक्ट्रेस ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अलग पहचान बना ली है। आज भले ही महिमा ने अपने दम पर एक नया मुकाम हासिल कर लिया हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब एक्ट्रेस ने चौल में रहकर अपने दिन गुजारे हैं। महिमा मकवाना के बचपन में ही सिर से पिता का साया उठ गया था। उन दिनों एक्ट्रेस का बड़ा भाई 9 साल का था और महिमा की मां ने काम करके अपने बच्चों को पाला। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस खुद भी खुलासा कर चुकी है कि उन्हें पालने के लिए उनकी मां ने दर्जी का काम भी किया था। घर की स्थिति ठीक नहीं थी, उस दौरान उनका पूरा परिवार चौल में रहता था। महिमा ने बताया था कि वह उनका सपना एक्ट्रेस बनने का था। इस दौरान उनके रास्ते में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। इन परेशानियों में भी महिमा मकवाना की मां ने अपनी बेटी को आगे बढ़ने का हौसला दिया। जब महिमा ने इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए इंटरव्यू दिए तो उन्हें 500 से ज्यादा बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। इस दौरान एक्ट्रेस को कई लोगों से ताने सुनने को मिले कि तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन इतने रिजेक्शन झेलने के बावजूद भी महिमा ने हार नहीं मानी और उन्होंने लगातार कई बार काम करने के लिए स्ट्रगल किया। इसके बाद 9 से 10 साल की उम्र में महिमा ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कैमियो किया था। एक्ट्रेस मोहे रंग दे सीरियल में साल 2008 में नजर आई थी। इसके बाद महिमा मकवाना ने बतौर लीड एक्ट्रेस महिमा ने टीवी पर सीरियल सपने सुहाने लड़कपन से डेब्यू किया था। महिमा ने इसके बाद पीछ मुड़कर नहीं देखा और लगातार कई शोज में काम किया। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने टीवी की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के बाद बॉलीवुड में सलमान खान की फिल्म अंतिम से कदम रखा था। इस फिल्म में महिमा को काफी पसंद किया गया था। वहीं अब इन दिनों बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी स्टारर वेब सीरीज शोटाइम में महिमा मकवाना लाइमलाइट बटोर रही हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।